गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस बेटा लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन ऑफ द सेम चैप्टर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इट इज ऑल्सो द सेम कंजम्पशन फंक्शन. मीन्स कि हाउ मच इनकम इज टू बी स्पेंट ऑन द कंजम्पशन इन द इकोनॉमी. सो दिस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम शोज द प्रपोर्शन ऑफ इनकम दैट इज यूज एज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स. One is called as average propensity to consume and second is called as the marginal propensity to consume. And average propensity to consume is to be denoted as APC and the second one is MPC. Now first we will discuss about the average propensity to consume. Average propensity to consume, as the name indicates, it's the average. It's the ratio. A ratio, because in this chapter, but in this consumption function, we are discussing the behavior of C with respect to Y. That is the respect to y. ठीक है, तो इसीलिए हमने c और y का ही लेना है सारा कुछ related. तो इसीलिए average propensity to consume क्या है? It is the ratio of the total consumption expenditure to the total income in the economy at a particular level of income. ठीक है, suppose कर लो income 200 है और उसका economy की और उस लेवल ऑफ इनकम पे आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो 100 हो रहा है. तो आपका ये जो पता चलेगा कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आप कैसे निकालोगे, हाउ इट इज टू बी कैलकुलेटेड. इट इज कैलकुलेट क्योंकि रेशियो है ना, सो रेशियो इज सी अपॉन वाई कंजम्पशन. सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन एंड वाई स्टैंड्स फॉर इनकम. फॉर एग्जाम्पल जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपका 60 करोड़ है और किस लेवल ऑफ इनकम पे है, लेवल ऑफ इनकम आपका 100 करोड़ है. मतलब अगर इकोनॉमी का लेवल ऑफ इनकम 100 करोड़ है तो 100 करोड़ में से 60 करोड़ कहाँ पे जा रहा है, दैट इज स्पेंट ऑन द कंजम्पशन. तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाउ टू बी कैलकुलेटेड, दैट इज सी अपॉन वाई. 60 स्टैंड फॉर सी एंड 100 फॉर वाई, तो इट इज 0.6. अब ये 0.6 क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि 60% ऑफ द इनकम इज टू बी स्पेंट ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी. बेटा ये आपकी इनकम नहीं है, दिस इज द एपीसी ऑफ द होल इकोनॉमी. कि इकोनॉमी की अगर इनकम 100 है तो उसका 60% जो है, मतलब 60 करोड़ जो है वो खर्चा कंजम्पशन पे लोग कर रहे हैं. अगर 200 है तो उसका 120 ही जाएगा, 120 खर्चा होगा. अगर 300 लेवल ऑफ इनकम है तो 180, मतलब 60% टू बी स्पेंड ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो ये हमें एपीसी बता रही है. अब इसका बिहेवियर वी कैन डिस्कस विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल. ये देखो बेटा कि सेम शेड्यूल वी आर शोइंग हियर आपका है. तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विद द हेल्प ऑफ एनी शेड्यूल इट इज टू बी, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे बताना है आपने. ये देखो दिस इज विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल लेवल ऑफ इनकम बिकॉज वी हैव टू रिलेट विद द सी एंड वाई. एपीसी कैलकुलेट करनी है तो हमें लेवल ऑफ इनकम चाहिए, वही सेम पुराना वाला टेबल 0, 20, 40, 60, 80 करोड़ लेवल ऑफ इनकम एंड कॉरस्पॉन्डिंग देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. एपीसी टू बी कैलकुलेटेड एज सी अपॉन वाई. तो आप करोगे जैसे जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आपने एपीसी नॉट टू बी कैलकुलेटेड, आप इसको इन्फिनिटी नहीं लिख सकते, राइट एट ब्लैंक. देन 35 अपॉन 20 1.75, 40 अपॉन 41, 45 अपॉन 60 एंड 50 अपॉन 80. दीज आर द फिगर्स विच वी कैलकुलेटेड. नाउ कम टू द बिहेवियर. बिहेवियर क्या कहता है कि जब बेटा इनकम एंड कंजम्पशन दोनों बराबर हो जाए, यानी कि सेविंग जीरो हो जाए, तो क्या होगा? दैट इज कॉल्ड एज द ब्रेक इवन पॉइंट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इकोनॉमी की इनकम 100 करोड़ है और 100 करोड़ ही खर्चा हो रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो सेविंग तो होगी नहीं, नो सेविंग विल बी. दैट इज कॉल्ड एज द ब्रेक इवन पॉइंट. ये वाला कंजम्पशन एंड इनकम लेवल बोथ आर इक्वल. अब ये जो ब्रेक इवन पॉइंट आया है, दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट. और ब्रेक इवन पॉइंट पे आपकी एपीसी कितनी आई है? 1. दिस इज द अनदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट. फिर फर्स्ट यू विल आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट, देन यू विल एक्सप्लेन द बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी क्या है? वैल्यू ऑफ एपीसी विल बी 1. बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट इट इज ग्रेटर देन 1. आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट इट विल बी लेसर देन 1. ओके, दीज आर द सम पॉइंट्स. फर्स्ट
at the break even point APC is equal to 1, before break even point it is greater than 1, after break even point it becomes less than 1. ये तीन पॉइंट्स होगी। एक चीज आप ऑब्जर्व करो कि जैसे लेवल ऑफ इनकम इज गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एपीसी गोइंग टू फॉल। 20 करोड़ लेवल ऑफ इनकम 1.740, 160, 0.750, 80, 0.63। व्हाट डज इट शोज? इट शोज एज द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ एपीसी गोज ऑन फॉलिंग, मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गोइंग टू बी लेस। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है लोगों का कंजम्पशन पे खर्चा कम होना शुरू हो जाता है बिकॉज देयर नीड्स आर टू बी फुलफिल्ड। तो दूसरा फिर पैसा कहाँ पे जाएगा? दे टेंड्स टू सेव, क्योंकि इनकम के तो दो पार्टी है ना बेटा, वाई प्लस इज इक्वल टू सी प्लस एस। अगर कंजम्पशन पे खर्चा कम हो रहा है इकोनॉमी में, इसका मतलब सेविंग ज्यादा हो रही है। ओके तो इसका मतलब कि जैसे जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू बी लेस, गोइंग टू बी लेस मीन्स नीड्स, बेसिक नीड्स आर टू बी फुलफिल्ड, तो वो सेविंग पे खर्चा, सेविंग जाना शुरू हो जाता है। ओके सो एंड वन मोर पॉइंट, ये देखो एपीसी की वैल्यू कैन नेवर बी जीरो। ये देखो आप कभी जीरो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं जीरो होगी? एपीसी विल बी जीरो। एपीसी जीरो कब होगी? एपीसी की वैल्यू है सी अपॉन जीरो, अगर ये जीरो होगी, जीरो अपॉन वाई इज इक्वल टू जीरो, लेकिन तो ये तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का नेवर बी जीरो इवन एट द लेवल ऑफ इनकम। व्हेन इज जीरो, सी इज नॉट जीरो बिकॉज देयर इज मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर व्हिच इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्लियर? दिस इज अबाउट द बिहेवियर ऑफ एपीसी। अब दूसरा इसका कंपोनेंट करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज कॉल्ड एज द एमपीसी। एमपीसी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडिशनल। वेन देयर इज ए वर्ड मार्जिनल, मार्जिनल का मीनिंग ही एडिशनल है, आपने ये याद रखना है। एडिशनल, एडिशनल कंजम्पशन एंड एडिशनल इनकम, और चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम, और इंक्रीज इन कंजम्पशन इंक्रीज इन इनकम। एनी वर्ड यू कैन यूज, एडिशनल, इंक्रीज, चेंज, द सेम इट इज। तो ये रेशियो किसकी होगी? रेशियो ऑफ एडिशनल कंजम्पशन एंड एडिशनल इनकम। एवरेज में हमने किया था टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम, और मार्जिनल में वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ एडिशनल इनकम एंड एडिशनल कंजम्पशन एंड एडिशनल इनकम। कि इनकम इकोनॉमी की कितनी इंक्रीज हुई है, पहले 100 करोड़ थी फिर 200 करोड़ हो गई या 250 हो गई, इंक्रीज कितना आया 150। तो उस 150 में से कंजम्पशन कितनी इंक्रीज हुई है, दैट इज द इंक्रीज इन कंजम्पशन। तो इसका फॉर्मूला बेटा वही है, चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम, इनकी रेशियो। तो चेंज इन कंजम्पशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा, दिस इज द डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ओके, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या शो करता है कि हाउ मच द एडिशनल इनकम गोज फॉर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि जितनी भी इनकम इंक्रीज हुई है ना उसका कितना पार्ट जो है वो कंजम्पशन पे इकोनॉमी के लोग खर्चा कर रहे हैं। और जो एमपीसी है दैट इज डिनोटेड, आगे जो फर्दर पढ़ेंगे चैप्टर में तो एमपीसी इज डिनोटेड विद द बी। लेकिन इसको एनसीईआरटी में स्मॉल सी के साथ किया है, लेकिन वी कैन यूज इट विद बी। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इनकम इंक्रीज हुई है 200 करोड़ से, इकोनॉमी की 200 करोड़ टू 300 करोड़, और कंजम्पशन इंक्रीज हुई है बेटा 80 करोड़ टू 140 करोड़। तो पहले आपने कैलकुलेट करना है चेंज, चेंज इन इनकम दैट इज डेल्टा वाई, 300 माइनस 200 100 आ गया। चेंज इन कंजम्पशन दैट इज डेल्टा सी, 140 माइनस 80 60 करोड़ आ गया। अब इन दोनों का आपने रेशियो निकाल लिया, एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम 60 अपॉन 100 दैट इज 0.6। तो व्हाट डज इट शोज? इट मींस कि व्हेन द इनकम इंक्रीजेस, उस इंक्रीज इन इनकम का 60% पार्ट इज टू बी स्पेंट ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और 40% कहां पे जाएगा? सेविंग में। मतलब ये जो आपका डेल्टा वाई है ना, डेल्टा वाई इज ऑल्सो इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। इंक्रीज इन इनकम के भी वही दो पार्ट, अगर इनकम इंक्रीज हुई है
अगर आपका 60% यहाँ पे जा रहा है तो 40% टू बी इन सेविंग। ठीक है, वन मोर के जो आपका कंजम्पशन कर्व बनता है ना बेटा, ये एमपीसी उसका स्लोप बताता है। इसका मतलब एमपीसी हमें ये बताता है कि जब इनकम इंक्रीज होती है कंजम्पशन किस रेट से इंक्रीज हो रही है। दिस इज द अबाउट ऑफ ईच। अब इसके कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे विद द रिलेटेड विद एमपीसी विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल। ये आपका एमपीसी का शेड्यूल आ गया। इनकम सेम, कंजम्पशन वही पुराने वाली 30-35। दिस इज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब इन दिस शेड्यूल वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द चेंज चेंज इन इनकम। 20-0 20 फर्स्ट टू बी ब्लैंक 20-0 20 40-20 20-60 एंड बिकॉज रेट इज सेम दैट इज वाई वी हैव द सेम 20-20। सेम इज कंजम्पशन की चेंज 35-35 40-35 एंड सो ऑन बिकॉज इसमें का भी रेट हमने 5-5 रखा है इसलिए आपका चेंज सेम आ रहा है। अब एमपीसी कैलकुलेट करनी है। एमपीसी इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई 0.25 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई सो दिस इज सेम दैट इज 0.25। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट है क्योंकि ये एमपीसी आपका स्लोप है ना कंजम्पशन कर्व का। इसका मतलब आपका स्लोप जो है कंजम्पशन कर्व का दैट इज टू बी कांस्टेंट। अगर स्लोप कांस्टेंट होगा तो वो कर्व क्या होगा लीनियर स्ट्रेट लाइन एंड इट इज कॉल्ड एज द लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। अब इसके फीचर्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इट इज के वैल्यू ऑफ एमपीसी जो है दैट वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। 0 से कम नहीं हो सकती 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। कैसे कि अगर सारी की सारी इनकम बेटा खर्च हो जाती है एडिशनल इनकम सारी की सारी खर्च कर देते हैं तो एमपीसी विल बी 1। अगर सारी की सारी एडिशनल इनकम सेविंग हो जाती है तो एमपीसी विल बी 0। ठीक है, ये होगा। फिर एमपीसी जो है वो गरीब लोगों में ज्यादा होती है देन द रिच पीपल। क्यों? क्योंकि जैसे ही उनकी इनकम इंक्रीज होती है इनकम का ज्यादा पार्ट वो कंजम्पशन पे खर्च करते हैं लेस सेविंग। और अमीर लोग क्या करते हैं जैसे इनकम इंक्रीजेस दे टेंड्स टू सेव मोर देन टू स्पेंड। इसका मतलब विद द इंक्रीज इन इनकम एमपीसी आल्सो फॉल्स एज द एपीसी। सो दिस इज अबाउट द बिहेवियर ऑफ एमपीसी। फिर बड़ा जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि एमपीसी जो है वो कभी 1 से नहीं ज्यादा हो सकती। इट कैन नेवर एक्सीड इट्स वैल्यू कैन नेवर बी मोर देन 1। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि डेल्टा सी इज द पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम। कैसे कि आपकी इनकम जो है वो 100 करोड़ इंक्रीज हुई है ये डेल्टा चेंज इन इनकम इंक्रीज इन इनकम। तो इस इंक्रीज इनकम से ही आपने कंजम्पशन खर्च करनी है टोटल में से नहीं करनी कि 100 करोड़ इनकम इंक्रीज हुई है उसका कितना हिस्सा जो है वो आप खर्च करोगे। दैट इज सपोज कर लो हमने 60% लिया था ये मतलब डेल्टा सी जो है 60 आया है तो इसका मतलब ये डेल्टा सी इसी में से आ रहा है ना। डेल्टा सी इज द पार्ट ऑफ डेल्टा वाई तो ये इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। आपकी पॉकेट में आपको एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं आपको पॉकेट मनी सपोज कर लो कोई फेस्टिवल आ गया आपको कोई गिफ्ट दे गया एडिशनल इनकम तो आपने जो एडिशनल खर्चा करना है वो एडिशनल इनकम से ही करोगे ना तो वो एडिशनल खर्चा एडिशनल इनकम से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। दैट इज वाई वी कैन सी के एडिशनल कंजम्पशन इज द पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम इट कैन नेवर बी मोर देन एडिशनल इनकम देयरफॉर इट कैन नेवर बी मोर देन। सिमिलरली वन मोर पॉइंट कि एमपीसी कैन नेवर बी नेगेटिव मतलब 0 से लेस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एमपीसी इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड स्लोप इसका कंजम्पशन फंक्शन का हमेशा पॉजिटिव ही है। ये आपका कंजम्पशन कर्व है ये देखो ये ऐसे जाता है ना दिस इज योर कंजम्पशन कर्व तो इसका मतलब अपवर्ड राइजिंग है। अपवर्ड राइजिंग शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई कंजम्पशन एंड इनकम इसीलिए ये स्लोप है एंड इट्स अ स्लोप इज पॉजिटिव देयरफॉर वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन नेवर बी नेगेटिव। हो गया। फिर बड़ा इसका डिफरेंस आ जाता है एपीसी एंड एमपीसी का। फर्स्ट मीनिंग बताओगे एपीसी इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम इट इज द रेशियो ऑफ
additional consumption and additional income, फिर how we can express them numerically or symbolically. Formula है APC is equal to C upon Y, this is delta C upon delta Y. फिर जो APC है वो हम एक point पे measure करते हैं to calculate on the curve, okay? क्योंकि total consumption and total income का आपने एक point पे measure करना है. और MPC क्या होता है, यू कैन सी दिस डायग्राम फ्रॉम द TR जैन, कैसे मेयर की है उन्होंने MPC, क्योंकि हमने चेंज निकालनी है, दो लेवल ऑफ इनकम का डिफरेंस निकालना है, दो कंजम्पशन लेवल का डिफरेंस निकालना है, इसीलिए MPC जो है दैट इज आल्सो मेयर्ड बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ कंजम्पशन कर्व. फिर वैल्यू ऑफ MPC कैन बी मोर देन वन, MPC कैन नेवर बी मोर देन वन. APC is not the slope of consumption curve, whereas MPC is the slope of consumption curve. So this was the about your average propensity to consume. One thing more बेटा इसका कि जो consumption curve है उसको algebraically हम कैसे denote करते हैं. This is the method to show algebraically the consumption function. ये देखो कंजम्पशन फंक्शन की एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, मतलब दिस इज द टोटल कंजम्पशन. टोटल कंजम्पशन इकोनॉमी की टोटल कंजम्पशन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, दिस इज योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ऑटोनॉमस कंजम्पशन व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज जीरो. बी क्या है, MPC. वाई क्या है, लेवल ऑफ इनकम. मतलब इफ यू नो द लेवल ऑफ इनकम, इफ यू नो द MPC ऑफ द इकोनॉमी एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज गिवन टू यू, देन यू कैन कैलकुलेट दिस टोटल कंजम्पशन इन द इकोनॉमी. यहाँ पे लिखा बेटा सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, सी बार ऑटोनॉमस है विच इज द मिनिमम कंजम्पशन एट द लेवल ऑफ इनकम जीरो. बी क्या है, MPC विच इज टू बी कैलकुलेटेड एज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. वाई इज द लेवल ऑफ इनकम. अब इसके भी दो पार्ट हैं इस कंजम्पशन के, ये आपकी इंड्यूस्ड कंजम्पशन आ गई, ये बेटा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है. टोटल कंजम्पशन इज द सम टोटल ऑफ इंड्यूस्ड कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस कंजम्पशन. ऑटोनॉमस कंजम्पशन विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेवल ऑफ इनकम, वट एवर द लेवल ऑफ इनकम, मतलब लेवल ऑफ इनकम अगर जीरो है इवन देन इट रिमेन्स द सेम. और इंड्यूस्ड क्या है, इंड्यूस्ड इज दैट कंजम्पशन विच चेंजेस विद द चेंज इन इनकम, विच इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम. इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, दिस इज द इंड्यूस्ड कंजम्पशन. ठीक है, और किस रेट से बढ़ेगी वो हमें MPC बताता है. MPC इंडिकेट्स के एट विच रेट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी इंक्रीजेज वेन द इनकम इंक्रीजेज. सो देयर फोर इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ दिस कंजम्पशन फंक्शन we are having two types of consumption, one is autonomous, another is induced. Induced is that which increases with the increase in level of income. और किस रेट से बढ़ेगी वो MPC है. मैंने आपको पहले भी बताया B is the MPC which shows MPC के features क्या है. Number one, it is calculated as change in consumption upon change in income. Number two, it is the slope of consumption curve. Number three, it shows the rate at which the C increases with the increase in Y. Baki value wale point to hum pehle hi discuss kar chuke. Theek hai? So this is all about beta consumption function. Next lecture mein we will discuss about the propensity to consume. But listen to me, if you have any doubt about this topic which is being shown in the video, then you can discuss with me. Either on WhatsApp or you can call me between the period 5 to 6 p.m. Okay? Goodbye.